छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली इलाकों में एम्बुलेंस की सेवाएं ठप थी, जिसके चलते अब निजी वाहनों को एम्बुलेंस बना दिया गया है। एम्बुलेंस सेवाएं ना होने के कारण मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी तस्वीर को बदलने के लिए दंतेवाड़ा प्रशासन ने सुगम स्वास्थ्य दंतेवाड़ा योजना की शुरुआत की, गाँव की गाड़ियों को एम्बुलेंस का विकल्प बनाया। इसका अच्छा फायदा अब गाँव वालों को मिलने लगा है। बता दें कि बीमार पड़ने पर मरीजों को खाट के सहारे ढोकर मीलों पैदल चलना गांव वालों की मजबूरी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की रहने वाली महिला रायवती की तबीयत खराब थी, उसे अस्पताल जाना था। एम्बुलेंस को कॉल किया। दंतेवाड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी होने और रास्ता खराब होने के कारण एम्बुलेंस पहुंचने में 30 मिनट का वक्त लगना निश्चित था। सरपंच को सूचना मिली, तुरंत गाँव की ही रजिस्टर्ड गाड़ी के मालिक के पास कॉल किया गया। 5 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंची और महिला को तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज कराया। वाहन मालिक को कर्मचारियों ने भाड़ा दिया। आपको बता दें कि मरीज की बीमारी की खबर मिलते ही गांव के ही वाहन मालिकों को बुलाया जाता है। धुर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के कई गांवों तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है, गाँव में नेटवर्क भी नहीं है। बीमार पड़ने पर मरीजों को खाट के सहारे ढोकर मीलों पैदल चलना गाँव वालों की मजबूरी है। इसी तस्वीर को बदलने के लिए दंतेवाड़ा प्रशासन ने सुगम स्वास्थ्य दंतेवाड़ा योजना की शुरुआत की, गांव की गाड़ियों को एम्बुलेंस का विकल्प बनाया। इसका अच्छा फायदा अब गांव वालों को मिलने लगा है। खास बात यह है कि मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले वाहन मालिकों को किराया प्रशासन दे रहा है, जो इनकी आय का अतिरिक्त जरिया बना है। पहले अस्पताल पहुंचने में घंटों समय लगता था, वही अब मिनटों में यह काम हो रहा है। नीति आयोग भी इस पहल की तारीफ कर चुका है। पहले अस्पताल पहुंचने में घंटों का समय लगता था, वहीं अब ये काम मिनटों में हो रहा है। नीति आयोग भी इसकी पहल की तारीफ कर चुका है। योजना शुरू होने के 3 महीने के अंदर इस सुविधा से 105 मरीज बिना समय गवाए अस्पताल पहुंचाए गए हैं। वाहन मालिकों ने भी 32,000 रुपये कमा लिए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना से जुड़ने के लिए दंतेवाड़ा के सबसे करीबी गांव बालपेट टेकनार से लेकर नक्सलियों के गढ़ मारजूम तक के वाहन मालिकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। नीति आयोग भी इसकी तारीफ कर चुका है। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि अब मरीज समय पर अस्पताल पहुंच रहे हैं और गांव के युवाओं को भी कमाई का साधन मिल गया है। अस्पताल तक पहुँचाने की राशि बढ़ाई जाएगी, इस व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। नोडल अधिकारी अंकित सिंह कुशवाहा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को भी इस योजना का अच्छा फायदा मिल रहा है। गांव में उपलब्ध वाहन मालिकों से संपर्क पर उनकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। अभी 78 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उनके मोबाइल नंबर को गांव के ही सरपंच, सचिव, मितानिन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में बांट दिया गया। मरीज की बीमारी की खबर मिलते ही एम्बुलेंस में कॉल नहीं लगने या दूरी अधिक होने पर गांव के ही वाहन मालिकों से संपर्क कर बुलाया जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।